नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शुभ मकर संक्रांति में। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का खास महत्व होता है। इस दिन को खास अहमियत दी जाती है। शास्त्रों की माने तो इस दिन सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं। सूर्य इस दिन धनु राशि से मकर राशि की तरफ प्रवेश करते हैं और लोहड़ी के अगले दिन यानी कि 14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी। डॉक्टर नीति शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। तो आपको नीति शर्मा जी आज बताएंगे कि मकर संक्रांति के महत्व क्या है और विशिष्ट संयोग के बारे में भी आज आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कि आप और हम सभी के जीवन पर मकर संक्रांति का क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ मकर संक्रांति। नीति शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हिंदू रीति रिवाज में एक साल का सबसे पहला पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। पंजाब में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान, तमिलनाडु में इस दिन फसल काटी जाती है। किसानों के लिए ये बहुत ही पावन पर्व माना जाता है और भारतवर्ष की तो एक मूलधार है कृषि उद्योग, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको बनाना चाहिए। पंजाब में लोहड़ी के नाम से हम बनाते हैं इस पर्व को, वहीं यूपी और बिहार में खिचड़ी के नाम से बनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से बनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य जो होते हैं वो अपने पुत्र के घर गोचर कर रहे होते हैं। धनु राशि से मकर राशि में जो गोचर करते हैं, मकर राशि का स्वामी शनि माना जाता है, तो पिता और पुत्र का ये अनोखा मिलन होता है इस समय। साथ में सूर्य उत्तरायण होते हैं, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उनकी जो किरणें होती हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती हैं। सिद्ध महात्मा पुरुष जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इस दिन पावन नदियों में स्नान करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है उस दिन। आपके सारे पापों को और कष्टों को दूर करने वाला ये त्यौहार है, तो पूरे भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास से इस त्यौहार को बनाने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के दिन आपको काफ़ी शुभ योग भी मिलने वाले हैं, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। जी, तो आपने महत्व के बारे में बताया विस्तार से, अब तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है। जी बिल्कुल, जो पंचांग है इस दिन का, ये द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की पड़ती है और शुक्रवार का दिन है। ये साल भी शुक्र का है, 2022 जो है वो शुक्र का त्यौहार है और साल है, और शुक्र जो एक प्लैनेट है ये लग्जरी को देने वाला है, आपके जीवन में वैभवता को देने वाला है, तो बहुत ही शुभ दिन में योग बन रहा है। साथ में चंद्रमा अपने उच्च नक्षत्र और राशि से गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र से, वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। योग ब्रह्मा है, करण बालव रहेगा, राहु काल रहेगा 11:11 से 12:30 तक, दोपहर तक। इस समय आपको पूजा नहीं करनी है, बाकी का दिन शुभ है। और जहाँ तक बात की जाए पुण्यकाल मुहूर्त की, तो वो दोपहर को 2:12 से 5:45 तक रहेगा, इसकी अवधि कुछ 3:32 की रहेगी। वहीं जो पुण्यकाल मुहूर्त जो सबसे ज़्यादा शुभ रहता है, जो महापुण्यकाल है, वो दोपहर को 2:12 से 2:36 तक रहेगा, ये अवधि 24 की रहेगी। इस समय जब आप मकर संक्रांति की पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। जी, विशेष लाभ मिलने वाला है। और 14 जनवरी को सूर्य और शनि एक साथ मकर राशि में भी विराजमान होंगे, प्रवेश करेंगे, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, इस दिन तीन ग्रह एक ही राशि में युति बना रहे हैं, वो है सूर्य, बुध और शनि। सूर्य और बुध का जो योग है वो ज्योतिष शास्त्र में उसको बुधादित्य योग के नाम से वो प्रचलित है। इस योग में जो जातक जन्म लेते हैं या ये जो संयोग बन रहा है वो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व देने वाला है, समाज में मान सम्मान आपको मिलने वाला है, बहुत बुद्धि बल से आप चतुराई से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ये ओवरऑल बहुत ही शुभ योग है। तीन ग्रह जो मिल रहे हैं मकर राशि में, ये अपने आप में काफी शुभ योग इस बार बन रहा है। जी, और इसलिए इसे त्रिग्रही योग भी कहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि तीन ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय। सूर्य अपने पुत्र के घर आए हैं, वहाँ पे शनि उनके पुत्र पहले से ही विराजमान है, साथ में बुध
जो बुद्धि के दाता हैं, जो आपकी वाक्पटुता और बिजनेस जो है व्यापार की वृद्धि हम बुध से देखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है जिसमें सरकारी तंत्र, व्यापार और जो समाज है उसमें एक अच्छा मेलजोल करके सारे जातक इस समय कार्य करेंगे। जी, यानी कि बिजनेस वालों को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें जो कि स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज के बच्चे, उनको इस त्रिग्रही योग से कैसे फायदा और क्या फायदा होगा? देखिए, त्रिग्रही योग में यहाँ पे बुध और आदित्य का जो मिलन है, यहाँ पे आपके बुद्धि बल को वो और शार्प करेगा, आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, और स्पेशली जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे एजुकेशन लाइन में ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड अगर परीक्षाओं की जो है IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत शुभ योग होने वाला है। इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड छात्र हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड छात्र हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उन सारे छात्रों के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ समय है। अगर वो अपना मन और ध्यान से इस समय अपनी पूरी संपूर्ण ऊर्जा अपनी विद्या में लगाएंगे तो उनको निश्चित रूप से प्रतियोगिताओं में और अपने कार्य क्षेत्र में हम अच्छी सफलता देख सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, आपने बच्चों को जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको कैसे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, इसके बारे में बताया। अब राशियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि को क्या फायदा? मेष राशि का स्वामी मंगल माना जाता है और सूर्य यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी होके वो दशम भाव यानी कि कर्म के भाव से गोचर कर रहे हैं, वहाँ पे बुध भी बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको मैं पदोन्नति देखती हूँ, एक हाई राइज देखती हूँ कार्य क्षेत्र में। टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग, उनको बहुत अच्छी इस समय प्रोग्रेस मिलने वाली है। मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, आपके वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। तो ओवरऑल ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है। एक उपाय बताना चाहूँगी कि इस दिन आपको मंदिर में, किसी सूर्य मंदिर में, अगर सूर्य मंदिर नहीं मिलता तो भगवान राम, सूर्यवंशी उनको कहा जाता है, तो भगवान राम के मंदिर में आप अगर गुड़ दान करते हैं तो आपको व्यापारिक स्तर में और आपको सफलताएं के मार्ग आपके प्रशस्त हो जाएंगे। यानी कि मेष राशि वालों का व्यापार अच्छा होने वाला है? जी बिल्कुल, मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभदायक है। जी, अब बात करते हैं वृषभ राशि की और इसके बारे में भी आपसे जानकारी। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप धार्मिक जो यात्राएं करने के योग दिख रहे हैं, घर में कुछ पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, आपके पिता का स्वास्थ्य मेरे को थोड़ा चिंताजनक लग रहा है, उनके स्वास्थ्य की आप थोड़ा ख्याल रखें। जहाँ तक विद्यार्थी वर्ग हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कुछ फॉरेन लैंड से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो उसके आपके मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। तो ये भी गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, भाग्य की वृद्धि करने वाला है। उपाय हेतु आप सूर्याष्टकम का पाठ अगर नित्य करते हैं तो आपको और लाभ मिलने वाले हैं। जी, आपने ये बताया कि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उपाय भी अगर आप बताएंगे तो दर्शकों को काफी ज्यादा ठीक लगेगा। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बोला कि सूर्याष्टकम का आप पाठ करें, साथ में अपने पिता के रोज चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद जरूर लें और उनके निमित्त एक अनुष्ठान मंदिर में, सूर्य मंदिर में कराएं जिससे उनको स्वास्थ्य में लाभ हो। जी, अब मिथुन की अगर बात करें तो मिथुन राशि का कैसे रहने वाला है इस बार का ये शुभ मकर संक्रांति? मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य है तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, तृतीय भाव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है और वो आपके अष्टम भाव यानी कि आकस्मिक लाभ और हानि के भाव, मृत्यु के भाव से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। छात्र जो होंगे वो शोध करने का, रिसर्च की लाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके लिए ये समय अच्छा है। उपाय हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर मिथुन राशि वाले लोग करते हैं तो उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। जी, तो यानी कि नीति शर्मा जी, मिथुन राशि की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहेगा? जी बिल्कुल, चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कारण है कि अष्टम भाव जो है वो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों में लाके खड़ा कर देगा जिसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रही हूँ विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु का आशीर्वाद अपने साथ जब जब आपके साथ रहेगा आप उन चुनौतियों से सफलतापूर्वक बाहर निकल आएंगे। उपाय की अगर बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय है? विष्णु सहस्त्र नाम और साथ में आप गाय को अगर हरी पालक खिलाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है।
ठीक है, कर्क राशि की अगर बात करें तो उनके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो द्वितीय भाव यानी कि आपकी वाणी के भाव और आपके संचित धर्म का जो भाव है उसके स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ में लग्नेश उच्च के बैठे हुए हैं तो लाभ के मार्ग हमें प्रशस्त दिख रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छे रहने वाला है, लेकिन सप्तम भाव आपके जीवन साथी को दिखाता है। यहाँ पे शनि और सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं सेहत से संबंधित आपके जीवन साथी को कोई दिक्कत दे सकता है, वहाँ पे आप विशेष रूप से ख्याल रखें। साथ में आपकी वाणी में थोड़ा अहंकार आ सकता है, सूर्य अहंकार भी देता है, तो वाणी के माध्यम से कहीं आपके रिलेशंस में मतभेद ना, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आय की स्थिति अच्छी है, मंगल का गोचर पंचम भाव में, आपकी पाचन तंत्र को यहाँ पे थोड़ी मैं समस्या देखती हूँ, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओवरऑल आर्थिक दृष्टि से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। और उपाय हेतु आप अगर रुद्राष्टकम का पाठ करें, आपके जो ईष्ट हैं भगवान भोलेनाथ हैं उनका आप पाठ करें, साथ में भगवान शिव को कच्चा दूध और जल मिला के उनका अभिषेक करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। ओवरऑल की अगर बात करें फिर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, बिजनेस हो या किसी और चीज से रिलेटेड, तो कैसा रहेगा इनके लिए? कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, सिर्फ अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ कुछ विवाद परिस्थिति में फंस सकते हैं। जी, अगर सिंह राशि की बात करें तो उनके लिए कैसा अच्छा रहने वाला है या फिर बुरा ओवरऑल? सिंह राशि वालों के लिए लगन के स्वामी होते हैं सूर्य, वहाँ पे वो आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव ऋण रोग शत्रुओं का है और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है, आपके अगर कोई पुराने रोग है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। साथ में नौकरी में अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स में भी, बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे हैं, साथ में नौकरी में भी अगर आपको कुछ चैलेंजेस है तो आप उनको बड़े आराम से पूरा कर लेंगे, नौकरी में पदोन्नति दिख रही है। साथ में अगर कोई पुराना कर्जा है आपके ऊपर उससे भी आप बाहर निकलते हुए मैं देख सकती हूँ, अपनी सूझबूझ से आप अपने कर्जों को भी इस समय खत्म करेंगे, तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए सिंह राशि वालों। बिल्कुल, और आपने क्योंकि यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जो कि आज के समय में इस कोविड के दौर में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, आज के दौर में हमें पता चल गया है कि स्वास्थ्य ही जीवन है, अपनी इम्यूनिटी को आप जितना अपनी दिनचर्या के माध्यम से, अच्छे खान पान के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से आप अपने शरीर को जितना दुरुस्त और तंदुरुस्त रखेंगे उतना ही आप जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। और सिंह राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए, कम से कम हर रविवार को तो अवश्य करें, ताकि आपका समाज में दबदबा बना रहे। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सिंह राशि वालों को यहाँ पर दी है। अब मैं चाहती हूँ आप कन्या राशि वालों के बारे में भी बताएं। कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं वो बारहवें भाव यानी कि व्यय भाव के स्वामी और पंचम भाव आपकी संतान, आपकी विद्या अर्जन और आपकी स्पेकुलेशन, जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है, वहाँ पे आप थोड़ा सतर्क रहें। इस समय आपको संतान जो है उसकी अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई के लिए योग बनते हुए दिखते हैं तो आप इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपके बच्चे पढ़ाई में अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यहाँ पे आपके खर्च बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ क्योंकि व्यय भाव का स्वामी पंचम भाव में आया है, षडाष्टक योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अपनी फिजूल खर्ची पर आप नियंत्रण रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सामान्य है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे और साथ में अपने रिश्तों में आप अहंकार से बचने का प्रयास करें, उसकी वजह से थोड़ी खटास आ सकती है। अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के बारे में क्या जानकारी, क्या खास बात? तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं वो लाभ भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव आपके आराम के भाव, प्रॉपर्टी का ये भाव दिखाता है, धन संचय का भाव दिखाता है। साथ में अगर आप कोई गाड़ी वाहन का भी भाव इससे हम देखते हैं तो इस गोचर के दौरान मैं देख रही हूँ कि आप अपने पिता या पिता तुल्य अपने कुछ रिश्तेदारों के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी आप ज़रूर खरीदेंगे, कोई खरीद परोश जो आपके लिए लाभकारी रहेगी, वहाँ से आपको कुछ किराए की इनकम भी स्टार्ट हो सकती है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा ये गोचर रहेगा। आपकी माता की सेहत का मैं थोड़ा चिंतित हूँ, यहाँ पे उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
कार्य क्षेत्र में, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है राहु केतु एक्सिस के अंदर, तो कार्य क्षेत्र में आपका मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, तो अपने मन को थोड़ा स्थिर रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो काल सर्प दोष भी बन रहा है, तो यहाँ पे मैं समझती हूँ आपको अपना इमोशनल को इमोशन लेवल को स्टेबल करने की बहुत आवश्यकता है। और अगर उपाय की बात करूँ तो आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर, गुड़ और चने का दान करना चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी है जी। और वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो ये मकर संक्रांति उनके लिए, उनके जीवन में क्या खुशियाँ लेकर आएंगी? वृश्चिक राशि वालों के लिए दशम भाव यानी कि उनके कर्म भाव के स्वामी सूर्य उनके तृतीय भाव में यानी कि सहोदर के भाव से गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय समय वो बहुत परिश्रम करते हुए मैं देख सकती हूँ। अपने कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ से अपने कार्य क्षेत्र में उनको विशेष रूप से सफलता मिलने वाली है। यहाँ पे उनके भाई बहन उनकी विशेष रूप से मदद करेंगे, उनके सहयोग से वो अपने कार्य क्षेत्र में और आगे नई ऊंचाइयों को छूते हुए मैं देख सकती हूँ। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव होने वाली हैं, अपने कम्युनिकेशन कौशल की वजह से भी वो काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रेमी जीवन में भी उनके आपसी रिलेशंस अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे उमंग उत्साह के साथ इस समय बीतेगा। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर धनु की बात करें, धनु राशि के बारे में भी जानकारी? धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं वो नवम भाव, भाग्य भाव यानी पिता का भाव, उस भाव के स्वामी होते हुए आपके दूसरे भाव संचित धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने पिता का सहयोग आपको मिलने वाला है, उनके सहयोग से आप कुछ नया धन संचय करने वाले हैं। साथ में आपके पिता आपको कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी दे सकते हैं जिसको आप बखूबी निभाएंगे। यहाँ पे आपकी वाणी में थोड़ा क्रोध और अहंकार आ सकता है, उस पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है जी। मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि वालों के लिए ये दिन खास कैसे? मकर राशि जैसे आप ही की राशि में सूर्य के गोचर हो रहा है, तो बहुत ही मेन ट्रांजिट है आपके लिए। यहाँ पे आपके और आपके पिता के जो संबंध हैं उसमें थोड़ी सी अहंकार की वजह से कटुता आ सकती है, वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इस गोचर के दौरान आप अगर किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं सफलता देखती हूँ। जीवन साथी के साथ क्योंकि मंगल का प्रभाव है यहाँ पे और जो वहाँ का स्वामी है चंद्रमा वो राहु केतु एक्सिस में है, जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद होने की आशंकाएं दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपके अपने शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अपने धैर्य पर थोड़ा संयम आप थोड़ा और उसका अगर प्रदर्शन करेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लेने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अच्छा है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। बिल्कुल स्थिरता बनी रहेगी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन इस दौरान क्या उपाय मकर राशि वाले करें? मकर राशि वालों को शनिवार के दिन पीपल के नीचे संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, साथ में छाया दान करनी चाहिए जी। और अगर कुंभ की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये मकर संक्रांति कितनी खुशियां लेकर आएगी? कुंभ राशि वालों आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव यानी कि व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेशी जमीन को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं किसी सरकारी तंत्र की मदद से आप विदेशी जमीन से या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अनुबंध आप साइन कर सकते हैं जो आपके लिए काम में हितकारी रहेगी। साथ में आपका जो जीवन साथी है उसको भी विदेशी जमीन से कोई अच्छी कंपनी के जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं, उसकी संभावनाएं भी बहुत अच्छी दिख रही हैं। अगर आप बिजनेस में काम करते हैं तो सौदेबाजी में थोड़ी सी वहाँ पे आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, आपकी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेही हो सकती है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए, आपकी सेहत की दृष्टि से मैं देखूं तो आपको पैरों संबंधित कुछ चोट, आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वहाँ पे कुछ चोट आ सकती है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। गोचर थोड़ा सा टफ है आपके लिए लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपका क्योंकि शुक्र का गोचर चल रहा है लाभ भाव में तो ये उसको मेंटेन करके रखेगा जी। तो इनका गोचर थोड़ा बहुत टफ है, तो ऐसे में इनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए आपकी राशि के स्वामी भगवान शनि होते हैं, इनका एक बहुत ही अचूक उपाय है जिसका नाम है शनि दशरथ स्तोत्र का पठन और पाठन। अगर आप रोज संध्या के समय शनि दशरथ स्तोत्र का पठन पाठन करते हैं तो आप पर आने वाली विपत्तियों से आपको मुक्ति मिल सकती है जी। और अब आपसे मीन राशि के बारे में जानना चाहेंगे।
मीन राशि वालों के लिए छठे भाव के स्वामी सूर्य उनके आय भाव लाभ भाव में गोचर करते हुए बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं। आपके लाभ के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। सामाजिक तौर पर भी आपके नेटवर्क सर्कल में इजाफा होने वाला है, जो आपको ओवरऑल उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत हाई क्लास सरकारी तंत्र से आपके और संबंध बनेंगे, जिसका आपको लाभ मिलने वाला है। राजकीय नौकरियों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर नई प्रमोशंस का दिख रहा है। आय में वृद्धि दिख रही है, चारों तरफ से धन आता दिख रहा है। आपके लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला यानी है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें, हर तरह से खुशियां ही खुशियां हैं। जी बिल्कुल, आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। और अप्रैल के बाद तो ये गोचर का प्रभाव और दुगना हो जाएगा। सूर्य गोचर चेंज कर लेंगे, लेकिन गुरु जैसे ही आपके लगन में आएंगे अप्रैल के बाद, तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही निर्णायक साल होने वाला है ये। ठीक है, अच्छा करने के लिए इनको क्या उपाय करना चाहिए और क्या ऐसी खास बात उनको ध्यान में रखनी चाहिए जो नहीं करना है? अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, उसके लिए आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार और योगा को शामिल करें। ये अपने आप में आपके लिए रामबाण का काम करेगा। जी, अब अगर सभी राशियों की बात करें, तो कैसे खुश होंगे भगवान सूर्य नारायण? देखिए, सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले हमको प्रारंभ सुबह उठ जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार को अपनी जीवन शैली में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, सूर्य को खुश करने की दृष्टि से भी, और जो जो लोग सरकारी तंत्र के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए भी सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में आप उसको ढाल लीजिए अपने व्यायाम में। साथ में सूर्य को प्रातः उठ के जो उगते सूरज को जब आप जल देते हैं, अर्घ देते हैं, उससे सूर्य भगवान अति प्रसन्न होते हैं। मंदिर में आप गुड़ और आटे को नियमित रूप से हर इतवार को आप दान करते रहिए। इससे भी आपके अगर सूर्य कहीं से भी कुंडली में पीड़ित हैं, उसके आपको शुभ फल मिलने लग जाएंगे। जी, क्योंकि नीतीश शर्मा जी, कोविड का दौर है और सभी लोग इस वक्त थोड़े बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुके हैं। पॉजिटिविटी के लिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए सबसे अच्छा, अगर आपको मैं बोलूँ, तो संध्या के समय आप कपूर और लौंग का धुआं अपने घर में डालिए। उससे एक तो जो कीटाणु होते हैं उनका नाश होता है। गाय के गोबर के ऊपर भी अगर आप उसको जलाते हैं, उसकी धुनी देते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छे से वायु को शुद्ध करती है और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है। तो उसकी धुनी संध्या के समय कपूर और लौंग रख के लोबान की धुनी आप अवश्य दें, इसको आप नियम बना लें। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत ही विस्तार से सभी दर्शकों को बताया कि क्या महत्व है, क्या उनके लिए खास होगा, क्या उपाय है। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों को भी मकर संक्रांति की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रही जनता टीवी के साथ।